सूर्य कुमार यादव, देखें जितनी तारीफ करें इनकी कम है, क्योंकि इतनी बड़ी ये बैटिंग लाइनअप है भारत की, वहां ये चमकते हैं, दुनिया में कई सितारे हैं वहां पे ये नंबर वन पोजीशन ले बैठे हैं, और जिस महारत के साथ इन्होंने सिचुएशन वापस अफगानिस्तान पे डाल दी वो इनकी ग्रेटनेस थी। सो बहुत बड़ी इनिंग्स खेले हैं, और अगर इसी तरह की पिचेस मिलती रही तो सूर्य कुमार यादव पकड़े नहीं जाएंगे। सुबहरल वैसे तो ये बताएं वासिद भाई, अफगानिस्तान आज उतना इंप्रेस नहीं कर सका, विराट कोहली क्या चक्कर है आपके? 29 रन पूरे वर्ल्ड कप में अब तक। विराट कोहली के आईसीसी इवेंट के रिकॉर्ड आप देखें, एवरेज उसकी 67 की है, उसने कई मैचेस जितवाए हुए हैं। 12-13 साल के बच्चे से पूछेंगे ना उसको याद होगी जी, क्यों ऐसी परफॉर्मेंस है उसकी और मैच विनिंग परफॉर्मेंस है। तो मेरे ख्याल से 4 मैचेस नहीं होंगे कोई इतनी बड़ी बात नहीं उसके लिए, वो मेरे ख्याल से ऐसा परफॉर्मर है वो कोई 20 मैचेस में भी ना करे तो इंडियन टीम उसको हलाएगी नहीं, क्योंकि उसने 80-100 किए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए, जो जिस तरह बॉडी लैंग्वेज थी के वो जो बाप और बेटा और जो बात करते हैं तो बरखुरदार तो वो दिखाई दिए। देखिए जो एग्रेशन उनका और टीमों के खिलाफ दिखता है वो यहां पर नहीं दिखा, और फिर जो नसीम भाई ने बहुत सही बात करी कि इतना बड़ा बॉलर राशिद खान, नो डाउट अबाउट इट, बहुत जबरदस्त स्पिनर, लेकिन आज तक वो विकेट ही नहीं ले पाए थे, आज गलती हो गई उनसे, और उसके अलावा आखिर में बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी स्लो थी। हमारे लिए शायद अमेरिका के डॉलर इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंडिया का रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य कुमार यादव ने भी पोस्ट मैच इंटरव्यू में यही कहा कि हमें अपनी रिस्पांसिबिलिटी का पता था एंड वी प्लेड लाइक यू नो दैट इन अ मैच्योर वे, जिससे जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस थी। बट व्हाट इंडिया की बात करूंगा तो देखें ठीक है उनके पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली, लेकिन 4 आउट होने के बाद भी एक ऐसा प्लेयर खेल रहा है जो कि अगर 10 ओवर 7 खेल जाते तो 80 रन और हो जाते। दे व्हाट डू यू थिंक, ये टीम इंडिया है, इसके पास प्रॉपर बैट्समैन है, इसके पास प्रॉपर फास्ट बॉलर है, इसके पास प्रॉपर स्पिनर्स है, टीम इंडिया की प्रॉपर कैलिपर है कि कैसे जो है उन्होंने खेलना और कैसे उन्होंने मैच को लेकर जाना है, करके दिखाते हैं भाई। अगले आप कहां हो, आप घर हो, आप जो आप यूएसए में सहरे कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको परफॉर्मेंसेस देखे आपके पड़ोस में टीमें। क्या बात, ये बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों कल भारत ने अफगानिस्तान को कुत्ते की तरह हराया। दोस्तों भारत की शानदार जीत देख पाकिस्तान में बैठे हर कोई लाइव टीवी चैनल में बैठकर भारत की जमकर तारीफ करने पर मजबूर हो चुकी है। दोस्तों भारत ने आज पूरी दुनिया को बताया कि भारत क्रिकेट दुनिया का नंबर वन टीम क्यों है। दोस्तों भारत की शानदार और खूबसूरत जीत पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं, और हम आपसे बात करेंगे वीडियो के बाद में। सूर्य कुमार यादव, देखें जितनी तारीफ करें इनकी कम है, क्योंकि इतनी बड़ी ये बैटिंग लाइनअप है भारत की, वहां ये चमकते हैं, दुनिया में कई सितारे हैं वहां पे ये नंबर वन पोजीशन ले बैठे हैं। अच्छी पिच थी अफगानिस्तान के स्पिनर्स के लिए, क्योंकि गेंद स्पिन भी हो रहा था, और ये बहुत लाजवाब बॉलिंग अटैक बन चुका है अफगानिस्तान का, कोई भी सरप्राइज नहीं था ये जब सुपर 8 में आए, क्योंकि डिजर्व करते हैं। सो वहां पे एक काउंटर अटैक जो उन्होंने लॉन्च किया, और जिस महारत के साथ इन्होंने सिचुएशन वापस अफगानिस्तान पे डाल दी वो इनकी ग्रेटनेस थी। सो बहुत बड़ी इनिंग्स खेले हैं, और अगर इसी तरह की पिचेस मिलती रही तो सूर्य कुमार यादव पकड़े नहीं जाएंगे। सुबहरल वैसे तो ये बताएं वासिद भाई, अफगानिस्तान आज उतना इंप्रेस नहीं कर सका, विराट कोहली क्या चक्कर है आपके? 29 रन पूरे वर्ल्ड कप में अब तक। विराट कोहली के आईसीसी इवेंट के रिकॉर्ड आप देखें, एवरेज उसकी 67 की है, उसने कई मैचेस जितवाए हुए हैं, तो कंडीशन टफ थी, कोई फर्क नहीं पड़ता विराट कोहली के लिए, उसको पता कि मेरी टीम जीत रही है, प्लेयर्स भी पीछे पड़े हुए हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग की है, जो उसकी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस है ना, अभी किसी 12-13 साल के बच्चे से पूछेंगे ना उसको याद हो जी, क्यों ऐसी परफॉर्मेंस है उसकी और मैच विनिंग परफॉर्मेंस है। तो मेरे ख्याल से 4 मैचेस नहीं होंगे कोई इतनी बड़ी बात नहीं उसके लिए, वो मेरे ख्याल से ऐसा परफॉर्मर है वो कोई 20 मैचेस में भी ना करे तो इंडियन टीम उसको हलाएगी नहीं, क्योंकि उसने 80-100 किए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में। रोहित शर्मा से भी पता लग रहा है ना कि इंडिया की टीम जो है वो, यानी उस वो 11 लड़के नहीं है, वो एक टीम है, जहां एक नहीं चलता है तो बाकी पूरा कर लेते हैं। एक टीम है तो दुनिया में जाके डोमिनेट कर रहे हैं, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे, यानी कि टीम होने का ऐसा बड़ा क्या समझूंगा कि कोहली नहीं चल रहा फिर भी टीम नाकाम जीत रहे हैं। कोहली के बगैर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के आ गए हैं, टेस्ट सीरीज 2 बार जीत के आ गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से उनके सिस्टम को क्रेडिट जाता है, उनकी जो ग्रास रूट लेवल पे डोमेस्टिक जो उनका अप्रोच है वो देखें उनके काम आ रहे हैं। सही बात है। दोस्तों आपने इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता का पूरा रिएक्शन देखा। दोस्तों किस तरह भारत की खूबसूरत जीत पर पाकिस्तान में बैठे हर कोई लाइव टीवी चैनल के ऊपर बैठकर भारत की खुलकर तारीफ करने पर मजबूर हो गई। दोस्तों आज भारत ने पूरी दुनिया को बताया, साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया क्रिकेट का नंबर वन टीम क्यों है। भारत की शानदार जीत पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।